हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल। होप करती हूँ कि आपका जुलाई मंथ काफ़ी अच्छा गया होगा। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, अगस्त के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए, क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। टेम्परेंस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, अब देखिए सैजिटेरियस फर्स्ट 10 डेज के लिए है हमारे पास टेम्परेंस, मिडिल 10 डेज के लिए है हमारे पास फोर ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट 10 डेज के लिए है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। इवन दो मैंने ये 10-10 डेज में डिवाइड कर दिया है, बट डेज पे इतना फिक्स मत रहिएगा क्योंकि एक मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। अब देखिए फर्स्ट 10 डेज के लिए क्योंकि टेम्परेंस है हमारे पास, एरीज लियो सैजिटेरियस आपकी ही एनर्जी है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा ना शुरुआती दिनों में अगस्त में फर्स्ट 10 डेज 12 डेज फर्स्ट वीक जो होगा उसमें थोड़ा सा ना आपकी हीलिंग चल रही होगी। आप अपने आप को ठीक कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है कोई मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, योगा कर रहे हो, रेकी हो सकता है, आप में से कई लोग हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी, कुछ भी हो सकता है, बट आप लोग अपने आप को हील कर रहे हो फर्स्ट 10 डेज ऑफ अगस्त में। हो सकता है कई लोग रिकनसाइल भी करें अपने किसी एक्स पार्टनर के साथ, रिकनसिलिएशन परमानेंट हो सकता है, टेम्प्ररी हो सकता है, किसी चीज़ के लिए आप मिलने जाओ तो रिकनसाइल करो, मिलना हो आपका, रीयूनियन हो आपका, रिकनसिलिएशन परमानेंट भी हो सकता है आपका, तो वो आपको देखना है। हमारे पास फोर ऑफ वॉन्स है, अगेन एरीज लियो सैजिटेरियस आपकी ही एनर्जी है। अब देखिए फोर ऑफ वॉन्स से हमें ये पता लग रहा है कि मिडिल 10 डेज ऑफ अगस्त में ना आपका थोड़ा सा कंट्रोल आ रहा है अपनी लाइफ पे। अभी तक अगर आपकी लाइफ थोड़ा मेस क्रिएट हुआ हुआ था आपकी लाइफ में, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रही थी, कुछ भी हो रहा था, तो अब वैसा नहीं है। मिडिल 10 डेज ऑफ अगस्त में आपका थोड़ा कंट्रोल आएगा अपनी लाइफ पे, थोड़ा सा आप चीज़ें समेटोगे मिडिल 10 डेज में जो इधर उधर फैली हुई थी, कंट्रोल होगा, सिक्योरिटी होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, मेंटल फिजिकल सिक्योरिटी हो सकती है, स्टेबिलिटी है, ठहराव है। तो फर्स्ट 10 डेज में थोड़ा बहुत आप जो हीलिंग स्टार्ट करोगे अपनी, उस वजह से मिडिल 10 डेज जो होगा उसमें आपका खुद का कंट्रोल होगा अपनी लाइफ पे, आपकी चीज़ें आपको पता होगा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किस चीज़ को कैसे करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ऑल ओवर द प्लेस नहीं होगे आप जैसे अभी तक थोड़ा सा रहते आए हो, मेस नहीं क्रिएट हुआ हुआ होगा, आपने चीजें समेट ली होंगी मिडिल 10 डेज में। अब देखिए लास्ट 10 डेज में हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अब किंग ऑफ कप्स जो होते हैं वो बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। आपका ना बहुत ही प्यारी रीडिंग है ये सैजिटेरियस, बिकॉज इसमें ना एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज के बाद तीसरी स्टेज, अगस्त में आप बेटर हो रहे हो, आपने अपनी हीलिंग स्टार्ट करी है, उसके बाद आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हैं और उसके बाद आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, आप चीज़ों को एक बैलेंस तरीके से देख रहे हो, हर चीज़ पे आपका ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा रोना या ज़्यादा खुशी या ज़्यादा गम वैसी वाली चीज़ नहीं है, बहुत बैलेंस तरीके से चलोगे आप, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ोगे, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त आप बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत बेहतर इंसान, इमोशनली बहुत बेहतर हो जाओगे। देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताएं सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर अगस्त, क्या लव मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए अगस्त मंथ के लिए। इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनी वन। देखिए सैजिटेरियस, कई बार ये हो सकता है कि आपको अकेला लगता हो, अभी लगता हो या फिर अगस्त मंथ में लगेगा, बट ये यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो खुद अकेले कर सकते हैं। हो सकता है आप अकेले करते आ रहे हो अभी तक, आगे भी आपको अकेली करनी पड़े, बट आपको किसी की ज़रूरत है नहीं। कई बार क्या होता है, इंसान इनकेपेबल होता है खुद से चीज़ें करने के लिए, वहाँ पे यूनिवर्स किसी को सपोर्ट सिस्टम के लिए भेजता है। आई एग्री कि अकेले कर करके भी इंसान थक जाता है, बट इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनीवन। अगर आपको अकेला लगता भी है रोमांटिकली कंपेनियन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि कोई आ गया अगर लाइफ में तो ठीक है, कोई अगर नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत है अभी किसी की। अभी आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है,
लाइफ में जिस सिचुएशन में आप हैं अभी, जिस मोड़ पे आप अभी हैं, आपको जरूरत है नहीं किसी की, आप खुद कर सकते हैं चीजें. कंपेनियन लव अभी आपको जरूरत नहीं है. यू वर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी. अगर आपको किसी भी टाइम पे ये लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूं कि कोई मुझे प्यार दे या प्यार ले, या मुझे, मैं डिजर्व नहीं करता हूं कोई एक प्यारा रिलेशनशिप या कंपेनियन, तो प्लीज वो मत सोचें. ये टाइम आपका नहीं है अभी जिसमें आपको प्यार या कनेक्शन या रोमांस मिले. बट आप में वो जो इट क्वालिटी होती है, एक जो पार्टनर के लिए, जो हर इंसान में उसको चाहिए होती है दूसरे पार्टनर को, वो आप में है. चाहे वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ध्यान, अफेक्शन, केयर, जिस भी तरीके से सपोर्ट, रिस्पेक्ट, जो भी, वो सारी क्वालिटीज आप में है एक अच्छा पार्टनर होने के लिए जो चाहिए होती है. तो कभी भी अपने आप को ये मत सोचिएगा कि मैं लायक ही नहीं हूँ शायद प्यार के, उस एंगल से मत सोचिएगा. अगस्त मंथ में थोड़ा सा ना अपने ऊपर ध्यान देने वाला टाइम है आपका, और अपने आप को, अपना जो इमोशनल सेल्फ है उसको और बेटर करने का टाइम है अगस्त में. ड्वेल ऑन व्हाट यू लव, जिस भी चीज पे. देखिए, कंपेनियन और रोमांटिक लव तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट ये सेल्फ लव ज्यादा है. जिस भी चीज को आप पसंद करते हैं करना, कलरिंग करना पसंद करते हैं, कैरम खेलना पसंद करते हैं, कैफेज में जाके नया नया खाना टेस्ट करना पसंद करते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, ड्राइव पे जाना पसंद करते हैं, जो भी आपको जिस चीज से प्यार हो, स्पोर्ट्स, जिम, कुछ भी हो सकता है, उस चीज पे ध्यान दें. अगस्त में अपने ऊपर ध्यान दें और जिस चीज, जो चीज आपको पसंद है उस पे ध्यान दें. बाकी दुनिया गई भाड़ में, किसी और पे ध्यान नहीं देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है. देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है. यूनिवर्स प्लीज बताएं अगस्त मंथ के लिए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली. देखिए, अगस्त मंथ ना थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी फैमिली रिलेटेड कुछ अफेयर्स हो जिसमें आप थोड़े से उलझ से जाएं, या फिर आपका जो मैंने आपको बोला था रिकंसिलिएशन, वो किसी फैमिली मेंबर से हो, आपका दोबारा रीयूनियन हो, मिलना हो. बट ये अफेयर्स थोड़ा हो सकता है, कोई लीगल अफेयर भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू भी हो सकता है. बट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली में कोई शादी भी हो सकती है, हो सकता है ये कोई अच्छी चीज़ हो. आपकी फैमिली में कोई शादी है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, आपका टाइम उसमें भी निकलेगा, तो वैसी वाली कोई चीज़ें हो सकती हैं. फैमिली पे थोड़ा सा फोकस होने वाला है अगस्त मंथ में. सैजिटेरियस अगस्त, सैजिटेरियस अगस्त, ओके. फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर. देखिए, ये एक इंसान है, बहुत गोरे हैं, ठीक है, इनके या तो सफ़ेद बाल हैं, या सॉल्ट एंड पेपर लुक हो सकता है, या फिर ब्लॉन्ड बाल हैं, छोटे बाल हैं इनके काफ़ी, इनकी आँखें काफ़ी दूर हैं, दूर आँखें हैं इनकी काफ़ी, थोड़ी सी चौड़ी नाक है इनकी. ज़रूरी नहीं है कि सेम फिजिकल फीचर्स हो, बहुत पतले लिप्स हैं. बट इस इंसान के संग हो सकता है किसी किसी मैटर में, प्रोफेशनल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस की कोई डीलिंग चल रही है आपकी, या फिर ये इंसान के संग आप रिलेशनशिप में हैं, कोई बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, बट कोई कनेक्शन है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसान है, अगस्त मंथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. सैजिटेरियस अगस्त, यूनिवर्स प्लीज बताएं सैजिटेरियस अगस्त. वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू. देखिए, आपने, आपकी फैमिली ने मिलके जो एक विश करी होगी किसी भी चीज़ की, कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ बहुत टाइम से अटकी हुई है, ये चीज़ पूरी हो जाए, एक्स वाई जी इंसान की शादी हो जाए, या कोई भी चीज़, ये कोर्ट केस हम जीत जाए, वट एवर, वो विशेस पूरी हो रही हैं आपकी अगस्त में. आप बहुत ही खुश होने वाले हो जब आपकी ये विश पूरी होगी. अब हम देखते हैं एस्ट्रल हाउस से हमारे पास क्या है. यूनिवर्स, ओ सॉरी, यूनिवर्स प्लीज बताएं एस्ट्रल हाउस से क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. वेल, पैसा आने वाला है सैजिटेरियस आपके पास, पैसा आने वाला है. अब हो सकता है कोई खर्चा ऑलरेडी लिखा हुआ हो, आपको पता हो कि ये खर्चा होने वाला है, और वो खर्चा होने से बच जाए,
तो आपका पैसा आपके पास ही रह गया, बच गया, खर्च नहीं हुआ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, या किसी कोई टैक्स रिटर्न या कहीं से आपको पैसा और मिल भी सकता है, वो एंगल भी हो सकता है. देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है. यूनिवर्स अगस्त मंथ के लिए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज बताएं. ओके हमारे पास है लेटर के. के से कोई नाम, सरनेम, सिटी, कंट्री कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है. हमारे पास है आउल, पैसा, डबल कंफर्मेशन, पैसा आने वाला है. हमारे पास है वाइन, सेलिब्रेशन हो सकती है, विशेस पूरी हो रही हैं तो सेलिब्रेट हो सकता है किसी तरीके का, कोई सेलिब्रेट कर सकते हो आप. हमारे पास डॉग है तो हो सकता है आप डॉग्स को फीड करते हो, डॉग लवर हो, रेस्क्यू करते हो, आपके पास कोई पेट डॉग हो, या फिर यहाँ पे कोई लॉयल्टी भी रोल प्ले कर सकती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट. कोई इंसान जो आपके लॉयल था है वो कुछ रोल प्ले कर सकता है अगस्त मंथ में. यहाँ पे हमारे पास है एक फ्लावर, तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है. चीज़ें जो अभी प्रेजेंट डेट में जुलाई में जो आपकी चल रही हैं वो बहुत जल्दी चेंज होके काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, चाहे वो प्रोफेशनली हो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, या आपकी एक अलग पर्सनालिटी के बारे में भी अगर बात करें तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी जैसे जैसे अगस्त ख़त्म हो रहा होगा. तो अगस्त मंथ में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है सैजिटेरियस आपके लिए. बट मोस्टली मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का. थैंक यू, बाय.